आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऑल इंडिया में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, यही आ रहा है, टॉप करना है। यदि आप पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आप पुराने छात्र हैं तो हमारे पेपर को निश्चित रूप से शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। और आप जानते हैं आपके लिए कई सेट पेपर डाले जाते हैं, यह सेट नंबर 1 है। इसी तरह से आपको 3-4 सेट मिलेंगे, कम से कम 5 सेट। पहला है क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है तो 1900, कितना लिखेंगे 1900, चार विकल्प है, 1870, 1880, 1900, 1868, देख रहे हैं ना। दूसरा है, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी, क्या है कहानी, गोदान की विधा है, चार विकल्प दिया गया है, इसमें तीसरा विकल्प उपन्यास है सही है। अगर हम सभी विकल्प पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा वीडियो। द्विवेदी युग की काल अवधि है तो इसमें द विकल्प है 1900 से 1922 ईस्वी, देख रहे हैं ना। वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं तो 4 भाग में, कितने भाग में 4। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है 6, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रीप्रवास की कथा पर आधारित है कृष्ण, क्या आधारित है कृष्ण। रीत मुक्त बुद्ध कवि कौन है तो इसका पहला है आलम, दूसरा है मध्य रिक्त मुक्त कवि कौन है, आलम है, चार विकल्प दिया गया है, जो विकल्प सही वही बता रहा हूँ। किस रस को रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं 3। अगला है, गणों की सही संख्या है 10, दासत्व में प्रत्यय है तो अप्रत्यय है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, टॉप करना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो कमेंट करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे। हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्र का, द विकल्प सही है। पत्र का तद्भव बताइए, पत्ता, देख रहे ना। सूरज का पर्यायवाची है ये सभी, रवि सूर्य भानु ये सभी। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। मधु शब्द की पंचमी विभक्त का एक वचन रूप बताइए तो मतयो, देख रहे हैं, यह मधुभ्या भी लिखा गया था कि किए हैं सर जी ने, देख लेना। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है तो फलाम, यहाँ पर टिक किया है, मतलब इसका होता है फलान सही। उपसर्ग होते हैं, अपने किताब में देख लेना कौन सा विकल्प, किसी में मिस आपको लगे तो। उपसर्ग होते हैं शब्दांश। समास के कितने भेद होते हैं 6। दूसरा है खंड, बा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ए अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शेरशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, देख रहे हैं ना। इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए तो आप ममता नामक, मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से अवतरित किया गया है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, देख रहे हैं ना, ये तो संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कि मैं नहीं जानती थी, ममता या नहीं जानती थी कि वह शेरशाह था कि साधारण मनुष्य था, अपने आप शब्दों में लिखेंगे। चिर विश्राम गृह से क्या आश्रय है, चिर विश्राम मतलब चिर निद्रा में सो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, समझ रहे ना। आजीवन भयभीत रहने का कारण, मतलब उस जब उसका घर खोदने का आदेश दे चुका था शेरशाह, जब ममता जानी तो कि कब मेरा घर खोदा जाएगा, इसके डर से वह भयभीत रहती थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, देख रहे हैं ना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता
मतलब इसको पढ़ करके देख रहे ना, चाहे उसको चाहे अथवा है इसको करना है। प्रस्तुत उद्धरण के पाठ के लेखक का नाम, तो लेखक का नाम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहले में रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखेंगे इसे जिसे अपने शब्दों में। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक पद को पढ़ गद्य को पढ़ करके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ को बता दिया गया था। युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, तो अगर संगत अच्छी होगी तो आप आगे बढ़े हरदम बढ़ते जाएंगे, और यदि आपकी संगत बुरी होगी तो आपके पैर में चक्की जैसे बंधा हो और दिन प्रतिदिन आपकी औनत होती जाएगी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश के आधार अब उसके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कब के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब कहाँ का है, बिहारी का है द्वारा लिखा हुआ। और सच्चे मन में जिनका मन सच्चा होता है ईश्वर की मुलाकात उन्हीं से होती है, उन्हीं को होती है। कब के अनुसार किन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कब के अनुसार दिखावटी जप माला छापा तिलक आदि लगाने से, दिखावटीपन करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रस्तुत इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, देख ले है ना। अगला है इसी में अथवा करके है, चाहे इसको करिए अथवा, देख रहे हैं ना। दुसौ दुराज प्रजा दुखों क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरी जग करत मिल मावस रविचंद। देख रहे हैं ये भी बिहारी का है। अगला देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। और प्रस्तुत पद्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदौर्य लिखिए, प्रजानु का अर्थ लिखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, ये है अनिवार्य संस्कृत जो पीछे दिया रहता है अलछेंद्रापुर राजा, देख रहे देख ना ये पूरा दिया गया, इसका संदर्भ से लिखना है। और फिर अगला है खा निम्न पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब बिकसे संत सरोज सब हरवे लोचन भृंग। देख रहे ना, तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है, धनुष भंग वाले पाठ से लिया गया है। आप इसका आप जो किताब पढ़ते हैं उसमें इसका पूरा संदर्भ सहित व्याख्या मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और पूरा का पूरा अंक प्राप्त करना है। बहुत कई सेट पेपर आपको डाले जाएंगे, ये पहला सेट है। अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। देख रहे हैं अपने यहाँ क्या चलता है, ज्योत जवाहर खंड काव्य। बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आपके यहाँ ज्योत जवाहर खंड काव्य चलता है, उन्हीं में इसको आपको हल करना है। ज्योत जवाहर खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है निम्न किसी एक का जीवन परिचय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। देख रहे हैं किसी का आप करके लिख सकते हैं जीवन परिचय, ये जीवन परिचय जहाँ जिसका लिख देंगे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या जयशंकर प्रसाद का, किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इसमें भी तुलसीदास सूरदास रसखान। तो सूरदास का जीवन परिचय मैंने बहुत विधिवत से डाला गया है, आप देख लेंगे हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। अपनी पाठ पुस्तक खंड काव्य किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ जो पेपर आता है जरूर एक श्लोक आता है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब टॉप करना है, लिखना है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र कहाँ मरना, मरना भी बहुत अच्छा होता है। ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञानम सर्वत्र, क्या लिखेंगे सर्वत्र। दो प्रश्नों के यहाँ कुत्र की जगह सर्वत्र लिखेंगे, लिख देंगे और सर्वत्र ऐसे लिखेंगे सर्वत्र, देख रहे हैं ना। तो सर्वत्र ऐसे लिखेंगे और ऐसा है वह अब ऊपर उड़ंकुरत्र सर्वत्र। और फिर अगला है पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम, क्या लिखेंगे पत्रम दूरम याति, मतलब पैर के बिना पत्र बहुत दूर चला जाता है। पदेन बिना किम, किम की जगह दूरम लिखेंगे पत्रम लिखेंगे। उपमा अथवा रूपक अलंकार, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपके किताब में मिल जाएगा, बहुत सरल है और अलंकार की परिभाषा डाला गया है। दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरा भाई प्रातः काम पर जाएगा, बालक गेंद से खेलते हैं,
तो बालकाह कंदुकेन क्रीडन्ति, क्या लिखेंगे, बालकाह कंदुकेन क्रीडन्ति, वह जाता है, सह गच्छति, ऐसे लिख देंगे स गच्छति। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर भाई, यही आया है आपके यहाँ। वह गंगा का जल है, भिक्षुक को वस्त्र दे दो, दो ही करना था, दोनों हो गया। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध अपने किताब के अंत में देखेंगे, दिया गया रहता है स्वच्छ भारत अभियान, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, घर घर सर रामचरितमानस है, भगवान राम का वर्णन है पूरा, उनके माता पिता का नाम, उनका नाम, जन्मोदय और वनवास का वर्णन करते हुए, लंका दहन मतलब सीता का अपहरण, पूरी कहानी लिखते हुए, हनुमान जी का योगदान पूरा डाल करके लिख डालेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।